हाय, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पहले वीडियो में मैंने दिखाया था, बट बच्चे का फेस रिवील नहीं किया था। बट अभी बाबू घर आने वाला है, उसके लिए हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग उसको लाने के लिए जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग डेकोरेशन करने के बाद हम लोग बेबी को आज इस वीडियो में दिखाएंगे। फिर अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो कि नेक्स्ट वीडियो कैसा है, तो आप लोग ज़रूर बताना, और डेकोरेशन देख के बताना कि कैसा लगा, और कुछ आइडिया देना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब फाइनली जीजू जा रहे थे बाबू को लाने के लिए। हम लोग थोड़ा बहुत डेकोरेशन जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि उतना टाइम नहीं था, और दीदी को हॉस्पिटल से लाना था, तो जस्ट जिसको जाना था वो सब तैयार हो चुका था, और वो जीजू के साथ जा रहा था क्योंकि दीदी को हम लोग को लाना था घर पे। फाइनली बाबू घर आने वाली थी, हम लोग सब इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग के घर में 12 साल बाद, मतलब 12 साल बाद हम लोग के घर में कोई न्यू बेबी, बॉर्न बेबी आ रहा था, तो आप समझ सकते हो एक्साइटमेंट कितना ज़्यादा होगा। फाइनली जीजू लोग निकल चुके थे और फिर दीदी लोग आने वाली थी। ये दीदी आ गई है, और हमारी प्यारी सी गुड़िया, जिसका नाम भी आप लोग थोड़ा सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट में, और वैसे तो वो अगर रखा जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर अगर आपको लगता है कुछ अच्छा नाम होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कुछ अच्छा आपको लगता होगा कि ये नाम उसका रख सकते हैं हम लोग। और ये इसका अच्छे से नहलाना हो रहा है क्योंकि वहाँ से आने के बाद आई थिंक ये 2 या 3 दिन बाद इसको नहलाया गया है घर आने के बाद। और ये बिल्कुल नहीं रो रही थी, ये सो रही थी नहाते हुए, बिल्कुल सो रही थी। इतनी प्यारी सी है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत क्यूट सी है। तो इसको नहलाना हो रहा था, इसको हल्का भी मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा था इसको नहाते हुए। एक बच्चा होता है ना कि नहाने से रोता है, बिल्कुल नहीं रो रही थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही है। अरे ये सोन आइज ओपन करके देखती नहीं, खाली सोते सोते इसका नहाना खाना सब हो जाता है सोते सोते। और मम्मी अच्छे से, इसकी नानी है, इसकी नानी इसको अच्छे से नहला रही थी, फर्स्ट टाइम नहा रही थी, जो कि अभी भी नींद में ही है। सोते सोते इसको सारा काम हो जाता है। और ये नानी की लाडली है, कितनी हैप्पी है, मतलब कुछ नहीं। एक बच्चा होता ना इतना रोता है, बट नहीं बिल्कुल नहीं, सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आराम से एकदम मस्त नहलवा रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम पानी में गई थी तो और अच्छा लगा उसको। और ये बाबू को मम्मी हमको दे रही थी। खाना हो गया था तो दीदी को मम्मी नहलाने लगी थी, तब तक हम लोग इसका थोड़ा सा बता रहे थे। बताओ आप कैसी लग रही, कितनी प्यारी थी, आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है, और कुछ नाम सजेस्ट करो। देखो अभी भी इसको नींद आ रही है, इसको बहुत नींद आता है, आराम से मस्त उठी है ये। थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम होता है ना पानी लगता है, तो उसको अच्छा लगा तो थोड़ा उठी, रिलैक्स लग रहा हो। इतना दिन से इसका बॉडी में जस्ट तेल लगे जा रहा था, तो और इरीटेट हो गई होगी ये। फाइनली इसकी छोटी मौसी इसको गोदी ली थी फर्स्ट टाइम, तो ये और एक्साइटेड थी कि मतलब फर्स्ट टाइम मैं बता रही कितने टाइम बाद हम लोग घर में बेबी आया है, तो बहुत खुशी अलग था। दी भी नहा चुकी है, अब दी का जस्ट सिंदूर और थोड़ा सा मतलब उसको ये करके अभी हम लोग सब बाबू का अंदर रूम का लाएंगे, क्योंकि हम लोग में बच्चे को एक रूम दिया जाता है छठी से पहले, उसी रूम में रहती है, हर रूम रूम में नहीं जाया जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ होता है ना, नाभि गिरेगा वो है, ऐसा कुछ होता है, तो उस हिसाब से होता है हम लोग के घर में, सबका अपना रिचुअल होता होगा, हम लोग का ऐसा है। तो अभी एक ही रूम में रहेगी दी, तो उसी रूम में अभी बाबू जाएगी, और कहीं वो अभी फिलहाल छठी तक कहीं नहीं, कोई रूम में नहीं जाएगी, तो उसी के लिए हम लोग उस रूम में ले जा रहे हैं। दी को अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप भी समझ सकते हो जो इस सिचुएशन से गुजरा है, अभी उठ उठ नहीं पा रही, थोड़ा वीकनेस था, पेन था, मतलब होता है ना एक माँ को झेल के ही, मतलब इतना क्यूट पाई वाला बच्चा है, मैं बता नहीं सकती। हम लोग बाबू को पकड़े थे क्योंकि दीन उतना नहीं सक रही थी, और हम लोग को थोड़ा जो रसम होता है वो होने के बाद बाबू को देंगे, फिर मम्मी अच्छे से दोनों का नज़र उतार देंगी। और अभी भी आप बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, आपको आइडिया देना चाहिए। और प्लीज़ अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, इतना प्यार तो आप लोग दिखा ही सकते हो मेरे चैनल पे, और लाइक भी कर दो, थोड़ा थोड़ा प्यार दो इस चैनल को, तो मैं और कुछ अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। ये उसका नज़र उतर गया है, दी का हालत सीरियसली बहुत ख़राब हो रहा था, बट मम्मी और बेटी दोनों का ही होता है, तो फिर जीजू पीछे आराम से खड़े। अब फाइनली बाबू का आरती होने वाला था,
फर्स्ट टाइम आई थी घर पे तो आरती तो होना है, पहले नहाना था इसलिए हम लोग बाद में आरती के। बहुत जन होता है कि गेट पे ही करते हैं, बट हम लोगों में ऐसे नहीं होता है। उसको नहला के मतलब सब साफ करके क्लीन करके फिर उन लोग का मतलब आरती करके अंदर घुसाना होता है। बहुत जन जस्ट आई और कर दिए, तो सबका अपना होता है, हम लोग का ऐसे ही होता है, तो हम लोग अपने हिसाब से कर दिए थे। बाबू को हम लोग छोटा सा टीका लगाए थे क्योंकि बाबू का स्किन अभी सेंसिटिव था, तो उतना हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, जस्ट हल्का सा छुआ दिए थे कि हाँ टीका लग गया है उसको। और ये हमारी जीजू हैं, उनको भी अच्छे से टीका लगा दिया था। अब इसका मैं पैर ढूंढ रही हूँ, इतना कहाँ है पैर समझ ही नहीं आ रहा था, पूरा वो ढक गया था कपड़े के अंदर में। फिर फाइनली मिला उसका पैर, जिससे वो क्या करने वाली है, कलश गिराने वाली है, क्योंकि हमारे घर में एक क्यूट सी लक्ष्मी आई है, जिसको मतलब क्या बोले, उसको फर्स्ट टाइम देखा था ना मैंने, इतना अच्छा वाला फीलिंग आया था ना, मैं बता नहीं सकती। और ये कलश फर्स्ट टाइम गिरा के हम लोग के घर में आ रही है, और ये हम लोग की बहुत अच्छी सी बेबी है, और सब इतने हैप्पी थे मैं बता नहीं सकती, सब बहुत खुश थे। और इसका पैर का भी हम लोग छाप लिए थे, और इसको इतना ठंडा लग रहा था वो आता कि वो पैर झटक ले रही थी, पर पानी में वो अच्छे से रही, पर हाँ रो नहीं रही थी बिल्कुल। एक बच्चा होता ना इतना रोने वाला, बिल्कुल ये रोने वाले में से है नहीं, चुप से सोए रहती है, अपना काम होता है थोड़ा सा रो लेती है ना, तो उसको रोने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है रोने में भी। अब इसका एंट्री हो गया, अब इसके लिए छोटा सा हम लोग डेकोरेशन किए थे और केक लाए थे जस्ट इससे कटवाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग घर आई थी, तो इसके लिए कुछ अच्छा तो होना बनता है ना। तो बस सब आ गए, पापा जो कि इसके नानू बने थे, नानू और भी बहुत खुश थे इसके लिए। होता है ना बच्चे से एक लगाव ही अलग सा होता है, जस्ट ये आराम से सो रही, इसको कोई लेना देना नहीं इसके लिए क्या फंक्शन कर रहे, क्या किया जा रहा है, कोई लेना देना नहीं, आराम से सो रही मस्त। वेलकम बेबी, केक खिलाने का हम लोग इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि हम लोग जस्ट आके अभी कुछ खिलाते नहीं है, और दी को अभी से छठी तक मीठे ही खाना है, तो फिर उस हिसाब से अब खाना होना उसका होगा। ये नहीं कि हम लोग में कुछ भी नहीं खा सकते अभी, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो खाएगी वो बेबी को लगेगा, तो फिर उस हिसाब से तो चलना पड़ेगा। और ये इसके नानू है जो कि बहुत हैप्पी थे फर्स्ट टाइम बाबू को गोदी में लेके। और डेकोरेशन कैसा लगा आप लोग बताना, जो कि बहुत हड़बड़ में हुआ था क्योंकि हम लोग बाबू लोग सब स्कूल गई हुई थी, जस्ट वो लोग आई फिर हम लोग जल्दी जल्दी डेकोरेशन किए, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था और सब अपने काम में भी थे थोड़ा, वो सब भी तो छोड़ के हम लोग नहीं रह सकते थे। इसकी नानी, नानू, जीजू सब थे, सब बहुत खुश थे इसके आने से। एक होता ना घर में रौनक आने वाला फीलिंग, वो था इसके लिए हम लोग का। पापा का चेहरा आप देख के समझ ही सकते हो, पापा भी कितने हैप्पी थे। और बताओ कैसी लग रही है नन्ही सी परी हम लोग के घर की, इसका नाम भी आप लोग कमेंट करना। अभी फिलहाल तो हम लोग इसको प्रिंसेस बोल रहे हैं, तो फिर आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हो अगर आप लोग को लगता हो। अभी भी मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लो, ऐसे ही मेरे हिसाब के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो आपको सजेस्ट करूँ कि मैं वो भी अच्छे से करने का कोशिश करूँगा। अभी दी का थोड़ा सा मसाज होगा, क्योंकि एक होता ना पेन रह जाता बॉडी में, तो वो मसाज होगा। कुछ दिन बाद से एक मसाज करने वाली भी आएगी, अभी फ़िलहाल मम्मी कर रही है, और इसका भी चम्पी हो रहा है अच्छे से, और थोड़ा सा भी रोई मसाज होगा, तो मैं थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाऊँगी कि उसका रोने का भी कैसा रोती है। इसका बाल के साथ सब खेल रहा था, टार्जन बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे थे इसका बाल को, देखे तो पता चल ही रहा होगा, सब मिलके बदमाशी कर रहा था इसके साथ। और इसका फर्स्ट टाइम मालिश हो रहा था, तो ये भी एकदम एंजॉय कर रही थी, क्योंकि नहा के फर्स्ट टाइम मालिश होता ऐसे तो लगातार उसको वहाँ पे डायरेक्ट हो रहा था, तो चिड़चिड़ा भी गई थी बहुत ज्यादा। अब
बर्थ के बाद कुछ ही मंथ तक बेबी का जो भी आपको ठीक करना होता है, नोज थ्रो अप करना होता है या कुछ भी करना होता है अभी कर सकते हैं। इसलिए मम्मी अच्छे से उसका नाक को उठा रही है क्योंकि ऊपर चिपका हुआ सा था। तो जो भी आपको कुछ अपने से करना कर सकते हैं। देखो इसका हम लोग ने ड्रेस बनाया था मम्मी का साड़ी काट के, क्योंकि अभी हम लोग बाबू को हम लोग में होता कि छठी के बाद न्यू ड्रेस पहनते, बाकी सब पहनते होंगे। हम लोग इसको सिल भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम लोग सिलेंगे भी तो ये नया हो जाएगा। इसलिए कोई ये मत सोचना है कि हम लोग सिल तो सकते थे ना, सिले बिना ही हम लोग को पहनाना था। और मस्त इसका मालिश होता था, ये उसमें भी सोती है, एकदम रिलैक्स रहती है, कोई टेंशन नहीं लेना है, मस्त इंजॉय करती है। मम्मी अच्छे से मसाज करिए, मसाज हो जाएगा तो और अच्छा से सोएगी। सब बोलता है मसाज के बाद ही, पहले भी अच्छे से सोती है, मसाज के बाद भी अच्छे से सोती है, मस्त। और इसका फेस अगर ठंडे पानी से हम लोग पोछेंगे तो और ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और इसके पापा इसको लेंगे और पापा का भी रिएक्शन आप देखकर बताना है, इतने हैप्पी थे वो। अरे बहुत खुश है, देख रहे पापा को कैसे देख रही है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बस ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहना। थैंक्स, बाय बाय, लव यू।